हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल में जिसका नाम है अंसारी S1 क्लब। मैं हूँ शहजाद अंसारी, लेकर आया हूँ एकदम नई एडिटिंग। आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम बताऊंगा मैं। और अगर आपने अभी तक जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं लेकर आया हूँ एक नई एडिटिंग, नाइट एडिटिंग। उम्मीद है आपको जो है ये पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे देखिए रेड कलर का बटन होगा, उससे दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैंने एडिटिंग के रूल्स बनाए हैं उसमें सबसे पहला ये आता है कि आप फ़ोटो को पिक्सआर्ट में ओपन कीजिए, टूल्स में जाइए, फ्रीकोप में, और ड्रॉ करके PNG साइज इसे क्रिएट कीजिए। ये देखिए PNG साइज एकदम बेटर रीत है बैकग्राउंड बदलने के लिए, हैवी एडिटिंग, CV एडिटिंग, हर टाइप की एडिटिंग के लिए ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। ये जो है हर टाइप की एडिटिंग में इसका यूज़ होता है। फ्यूचर में भी इस PNG साइज़ के फ़ोटो का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो आप अगर ओल्ड पिक्सआर्ट है तो आपको यहाँ से PNG सिलेक्ट करना होगा, और अगर न्यू पिक्सआर्ट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसे ओके कर दीजिए। दूसरा स्टेप, एक ब्लैंक पेज ले लीजिए आप, ठीक है। ब्लैंक पेज लेने के बाद जो है ब्लैक कलर, उसके बाद जो है वो आप ब्रश ले लो। यहाँ से ब्रश लेने के बाद जो है ब्रश की साइज़ बिग करके हम इस तरीके से पूरे पे ड्रॉ कर देंगे। पूरे पे जो है वो ड्रॉ करने के बाद जो है वो हम एम्प्टी लेयर्स लेंगे। यहाँ से एम्प्टी लेयर्स जो है लेकर ही आप जो है नया फ़ोटो इसमें ऐड करें। हम इसमें वही फ़ोटो ऐड करेंगे जो हमने PNG साइज में शुरुआत में क्रिएट किया था, उस फ़ोटो को हम डायरेक्टली इसमें ऐड करेंगे। के बाद जो है आपको ये करना है कि आप इसे ओके कर लें और इफ़ेक्ट में चले जाएं। इफ़ेक्ट में देखिए यहाँ पर BW क्रॉस नाम की एक इफ़ेक्ट है, वो मार दीजिए, इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद जो है ड्रॉ में चले जाएं और नया जो यहाँ से जो है फिर से ब्लैक कलर ले लें और यहाँ पर हल्का हल्का सा जो है ड्रॉ कर दें, ताकि दोनों फ़ोटो जो है वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, ताकि ये एकदम रियल लगे। बाद में आपको जो है यहाँ से एक एम्प्टी लेयर्स ले लेना है और एक नया फ़ोटो जो है इसमें हम ऐड करेंगे PNG साइज़ का लालटेन फ़ोटो, या आप इसे नाइट लैम्प भी कह सकते हैं, साइज़ आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर रख दीजिए, उसके बाद जो है वो आप यहाँ से रबर ले लें। रबर लेने के बाद जो है हैंड के ऊपर का हिस्सा हम जो है वो इरेज कर देंगे आधा हिस्सा, ताकि हम ये लैम्प हमारे हैंड के अंदर आ जाए, ठीक है। इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद है जो आप लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक लेंस ले लें और इसे लैम्प के अंदर रख दें। अब जो है लेंस की क्वांटिटी भी यहाँ से कम कर सकते हैं, इसे ओके कर दें। और इसके बाद जो है आपको ये करना है कि आप ड्रॉ में चले जाएं और एक लास्ट फ़ोटो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर दो फ़ोटो का ही सिर्फ यूज़ हुआ है, हम यहाँ पर दूसरे फ़ोटो का इस्तेमाल करेंगे। इसे रख देते हैं और यहाँ से सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इसे एडजस्ट करने के लिए। कभी भी एम्प्टी लेयर्स लिए बिना कोई फ़ोटो ऐड ना करें, नहीं तो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसे ओके कर देते हैं। अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट में चले जाइए, कोई एटीट्यूड वाला क्वाइट लिखना चाहते हैं, स्टेटस कुछ भी एनीथिंग, तो आप जो है यहाँ पर टाइप कर लें और फिर जो है यहाँ से आप कैटेगरी चूज़ करके आप इसे रख दें। यहाँ से इसकी क्वांटिटी आप जो है हल्की कर दें और इसे ओके कर दें। बहुत ही छोटा वीडियो था देखिए, और न्यू टाइप का एडिटिंग था। पसंद आया है तो आपका हक बनता है कि आप लाइक करें, तो आप जो है वीडियो के नीचे से लाइक कर सकते हैं यहाँ से। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो की अगर फ्री में नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ से बेल का सिंबल ऑन कर सकते हैं।